So this is lecture number 6th of gravitation, and in this part first we will do some questions उस concept पे जो हमने last class में पढ़ा था, और फिर आगे हम इस class में पढ़ेंगे orbital motion. क्या पढ़ेंगे? orbital motion. तो इस class में हम पढ़ेंगे orbital motion. उससे पहले हम questions करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्केप वेलोसिटी का के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस. मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल है जिसका मास है m, उसको प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग वेलोसिटी से. तो पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल एंड वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इफ वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस. मतलब अर्थ के सरफेस से हम इन चारों वेलोसिटी से अलग अलग वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो आपको बोलना है कि ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा वो बताना है, और वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट. देखिए इन सब क्वेश्चन में, चार क्वेश्चन हैं यहाँ पे, एक सिंपल सा फंडा यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? अर्थ के सरफेस से और जहाँ जा रहा है वहाँ पे हम बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच. बस यही कॉन्सेप्ट लगाने, सब में यही लगाएंगे. तो जल्दी से क्विक देखते हैं. सो पहले हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस से रूट अंडर जी एम अपॉन आर के वेलोसिटी से फेंका. तो आप यहां से और मैक्सिमम हाइट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए. देखिए पॉज करिए और पढ़िए. तो सरफेस पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? हाफ एम इस वेलोसिटी का स्क्वायर. और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर. एच मैक्स पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो. और एच मैक्स पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच मैक्स. तो यहां से आप एच मैक्स कैलकुलेट करिएगा, आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अब वेलोसिटी से फेंक रहे हैं रूट अंडर 3/2 जी एम अपॉन आर. याद रखिएगा, आपको पता है कि अर्थ के सरफेस से जब आप एक पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर 2 जी एम अपॉन आर. तो अगर 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 कोई वेलोसिटी जो हम फेंक रहे हैं वो एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो एच मैक्स के ऊपर जाएगा, तब वहां पे हम एच मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये फेंकने वाला वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर है तो वो इन्फानाइट पे चला जाएगा, तो वहां एच मैक्स भी जीरो और वहां पे वेलोसिटी भी जीरो. लेकिन अगर वेलोसिटी वी स्केप से ज्यादा हुआ तो वो एच मैक्स तो इन्फानाइट चला जाएगा लेकिन वहां पे वेलोसिटी होगा वो कैलकुलेट करेंगे. अभी देखिए 3/2 मतलब 1.5, और 1.5 लेस देन है रूट अंडर 2 जी एम अपॉन आर, यानी कि पार्टिकल कुछ हाइट तक जाएगा और उस हाइट को एच मैक्स बुलाते हैं, तो वहां एच मैक्स लगाएंगे. तो अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो डालिएगा आपके पास एच मैक्स आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, अब हम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं रूट अंडर 4 जी एम अपॉन आर. अब ये वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज्यादा है तो पार्टिकल जाएगा इन्फानाइट पे, और इन्फानाइट पे जाएगा तो एच मैक्स को तो जीरो लेके चलेंगे, लेकिन सिंस वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है तो इन्फानाइट पे अब उस पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी होगा. उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी रखेंगे रूट अंडर 4 जी एम अपॉन आर, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एच मैक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से वी इन्फिनिटी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोला है दो प्लैनेट है, इसका मास एम वन आर वन एम टू आर टू, और बोला कि इन दोनों प्लैनेट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है डी, और बोला कि दोनों प्लैनेट के बीच में एक मास है एम. अब हमको क्या करवाना है, इस मास को इस दोनों के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम करवाना है, यानी कि इसको एस्केप करवाना है इस मास को. तो बताइए कितना वेलोसिटी से इसको फेंके ताकि ये मास इस दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करके एस्केप कर जाए. करना कुछ नहीं है,
आपको क्या करना है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। कहाँ से? सेंटर से इन्फानाइट के बीच में। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? सेंटर से इन्फानाइट तक। तो काइनेटिक एनर्जी एट सेंटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर, इन्फानाइट पे काइनेटिक एनर्जी, इन्फानाइट पे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर, यही निकालना है। अब यहाँ पे सेंटर पे इस मास के पास, मास पे दो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण माइनस जी एम वन एम अपॉन डी बाई टू, डिस्टेंस है डी बाई टू, इसके कारण माइनस जी एम टू एम अपॉन डी बाई टू। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इन्फानाइट पे जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इन्फानाइट पे जीरो। तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, वी स्केप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक प्लैनेट है जिसका मास है एम, रेडियस है आर, और इस प्लैनेट के सरफेस पे एक मास है स्मॉल एम। अब आपसे पूछा कि ये जो मास है, अभी बताइए इस मास पे इस प्लैनेट के द्वारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, तभी तो ये मास इसके सरफेस पे। तो बोला इस मास को कितने वेलोसिटी से फेंके ताकि ये मास इस प्लैनेट के सरफेस पे चला जाए। तो क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ इट विल रीच फ्रॉम सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू सेकेंड स्फीयर। अब इसमें करना, इसमें कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है लगाना, यहां भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। कहां से कहां तक? सरफेस से उस पॉइंट तक जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड जीरो हो जाएगा। देखिए जब इस पार्टिकल को यहां से आप थ्रो करिएगा तो ये पार्टिकल आगे जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जहां पे इस पार्टिकल पे इस स्फीयर के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो जीरो हो जाएगा। बस वहीं तक हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि अगर ये इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया तब तो ये स्फीयर इसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहां से यहां तक नहीं लगाएंगे, यहां से जहां पे एफ जी जीरो है वहां तक लगाएंगे। तो देखिए अभी दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 5R, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस S1 पे, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे, और फिर काइनेटिक एनर्जी यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे, ठीक है? यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी मिनिमम, वही तो निकालना है स्क्वायर, प्लस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस मास पे, इस स्फीयर के कारण भी, इस स्फीयर के कारण भी, इस स्फीयर के कारण माइनस जी एम एम अपॉन आर, इस स्फीयर के कारण माइनस जी, इसका मास है 9m, माइनस जी 9m एम अपॉन, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, ये देखिए है, ये टोटल डिस्टेंस है 5R, इसका है R, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा 4R, और फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे तो एक पॉइंट पर पहुँचा जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसके कारण भी, इसके कारण भी, तो ये डिस्टेंस आर वन, ये डिस्टेंस आर टू। यहाँ पे एक नया कैच कि ये आर वन और आर टू कैसे निकाले, तो ये आर वन और आर टू निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। आर वन का फॉर्मूला, आर वन कहाँ है, एम वन से, तो हो जाएगा रूट अंडर एम वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम वन प्लस एम टू इंटू टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ वैल्यू डालिएगा आपको आर वन आ जाएगा, आर वन आ गया तो 5R माइनस आर वन कर दीजिएगा तो आपको आर टू आ जाएगा, वो आप यहाँ पे डालिएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा तो आपके पास वी मिनिमम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि दो मास है M1 M2, इसको इन्फानाइट से हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के कारण क्या होता है, ये दोनों मास म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर के रुकता है, तो बताइए इसका रिलेटिव वेलोसिटी। सो टू मास M1 एंड M2 रिलीज फ्रॉम इन्फानाइट इन प्रेजेंस ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ M1 M2 एट डिस्टेंस आर। देखिए यहां पर भी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, कहां से, इन्फानाइट से आर तक, लेकिन यहां जो हम मास लेंगे वो मास रिड्यूस्ड मास लेंगे। आपको पता है रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, रिड्यूस मास को लिखते हैं एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो लगाइए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन्फानाइट से आर डिस्टेंस पे, तो इन्फानाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इन्फानाइट पे जीरो,
आर डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ रिड्यूस्ड मास म्यू और रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो उसका स्क्वायर, और म्यू हो जाएगा एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर दैट विल बी माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे आपके पास मास है, स्क्वायर का बेसिकली साइड आपको ए गिवन है। बोला कि यहां से एक मास को हटाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो बताइए। तो फाइंड आउट वर्क डन टू रिमूव एनी वन मास फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ऑफ अनदर मास। तो यहां पे देखिए दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो पहले हम लगाएंगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या करता है, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो जाएगा। अब हमने इस मास को उठा करके अलग किया है, इस मास को वेलोसिटी नहीं दिया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। तो एक्सटर्नल वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इस मास को हटा करके, और पोटेंशियल एनर्जी थ्री मास सिस्टम है तो कितना होगा, इसका इसका और इसका। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दो तो इसके कारण से, तो दैट विल बी टू इंटू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए, और एक रूट टू वाला, तो एक रूट टू वाला माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन रूट टू है। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चार मास सिस्टम के कारण, तो चार तो ये देखिए कॉर्नर वाला, तो माइनस फोर इंटू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए, और दो रूट टू ए वाला, ठीक है, तो दो रूट टू ए वाला। तो यहां से एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। इसको करने का एक और तरीका क्या है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते थे कि वर्क डन होता था क्यू इंटू डेल्टा पी, सिमिलरली यहां पे लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू एम इंटू डेल्टा पी, और डेल्टा पी को लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल तो जीरो हो गया, माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, एक तो ए वाला, इसको मास हटा करके, इसके कारण और इसके कारण, तो इसके कारण और इसके कारण सेम होगा, तो दैट विल बी माइनस जी एम अपॉन ए माइनस जी एम अपॉन आर, और इसके कारण हो जाएगा रूट टू, तो माइनस जी एम अपॉन रूट टू है। तो यहाँ से भी सेम आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बोला कि एक प्लैनेट है जिसका मास है एम, रेडियस है आर, और इस प्लैनेट के सरफेस से एक स्मॉल एम का मास है, इसको हम उठा करके, वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं इसको, इसको उठा करके हम एच हाइट पर ले जाए, तो उसमें एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आया, करना कुछ है, करना कुछ नहीं है, वापस से ब्रह्मास्त्र लगाइए, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। हमने उठा के ऊपर लेके गया है, हमने इसको पार्टिकल, इस पार्टिकल को उठाया और तब एच हाइट पे ले गए, वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो एक्सटर्नल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी एट एच माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, जी माइनस जी एम एम आर प्लस एच माइनस का सरफेस पे होगा माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर। अगर ये हाइट रेडियस के कंपेरिजन में, इस प्लैनेट के रेडियस के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो एच अपॉन आर वन से बहुत कम होगा, तो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन एम जी एच के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्बिटल मोशन के बारे में। तो मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है आर, अर्थ के रेडियस, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर अगर कोई सैटेलाइट है अर्थ का, तो वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमेगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो सैटेलाइट जिस स्पीड से घूम रहा है उसको बोल देते हैं वी नॉट, यही वी नॉट को हम बुलाते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या बुलाते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। अगर ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो आपको पता है सर्कुलर मोशन करने के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है एफ जी, और इस पे जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन
आर, आर हम ले रहे हैं कहां से कहां तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आर। अगर ये है आर तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आर ले रहे हैं, ये है एच, ये है एच, तो आर हो जाएगा आर प्लस एच। तो ऑर्बिटल मोशन यानी कि ये सैटेलाइट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली ऑर्बिटल बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो एफ ई विल बी इक्वल टू एफ जी। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा वी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर। आर क्या है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि आर प्लस एच, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आर प्लस एच। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर प्लस एच। अब देखिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो जो सैटेलाइट घूम रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्बिटल वेलोसिटी इस प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ प्लैनेट। तो ये याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। अगर ये जो हाइट है जिस हाइट पे सैटेलाइट घूम रहा है वो हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो यानी कि हाइट लगभग टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो हम इस केस में बोलेंगे कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए एस्केप वेलोसिटी आप पढ़ के आए थे, वो होता था रूट अंडर टू जी एम अपॉन आर, एस्केप वेलोसिटी यही होता था। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन क्या हो जाएगा, कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रूट टू, ये भी याद रखिएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम ये फॉर्मूला हाइट लगभग जीरो के लगभग, अगर हम ये फॉर्मूला अर्थ के लिए यूज करते हैं, तो मास ऑफ अर्थ डालेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ डालेंगे, तो अर्थ के लिए, अर्थ का अगर कोई सैटेलाइट है तो उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सिंस इस सैटेलाइट पे सेंट्रिपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है, तो ये सैटेलाइट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो बेसिकली ग्रेविटी होगा वहां पे ग्रेविटी नहीं होगा, तो सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है। देखिए ग्रेविटी फ्री स्पेस और भी जगह पे होता है, जैसे फ्री फॉलिंग लिफ्ट में अर्थ के सेंटर पे, वहां भी ग्रेविटी फ्री स्पेस है। देखिए यहां ग्रेविटी तो है, जब लिफ्ट फ्री फॉल करता है तब वहां ग्रेविटी तो है, लेकिन जी इफेक्टिव जीरो होगा इस केस में सैटेलाइट मोशन में, और फ्री फॉलिंग लिफ्ट में जी इफेक्टिव जीरो होगा, लेकिन अर्थ के सेंटर पे, वहां पे बेसिकली अर्थ के सेंटर पे, वहां पे आपका जी ही जीरो है, अर्थ के सेंटर पे वहां जी इफेक्टिव नहीं, जी जीरो है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सो इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ग्रेविटी फ्री कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड, इट इज सिमिलर टू फ्री फॉलिंग लिफ्ट, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, एक बाउंडेड सिस्टम में घूम रहा है, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। अगर इस सैटेलाइट को हम एस्केप करवाना चाहें, मतलब अर्थ के ग्रेविटी से एस्केप करवाना चाहें, तो देखिए सैटेलाइट का जो बेसिकली वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो है रूट अंडर जी एम अपॉन आर, मतलब अगर छोटे से हाइट की बात करते हैं। तो अब आप क्या करिए, इसको एस्केप करवाना है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को आप रूट टू टाइम्स कर दीजिए, या आप यूं बोल दीजिए कि वेलोसिटी आप बढ़ा दीजिए 41.4% से, या यूं बोल दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी को आप डबल कर दीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से सैटेलाइट घूम रहा है उस काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दीजिए, या यूं बोल दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दीजिए 100%, या एक्स्ट्रा एनर्जी दे दीजिए जो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर है,
तब ये सैटेलाइट जो है वो एस्केप कर जाएगा। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बिकम्स रूट टू टाइम्स और वेलोसिटी इंक्रीजेस 41.4%, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 100% और एक्स्ट्रा एनर्जी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड, देन सैटेलाइट एस्केप फ्रॉम प्लैनेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट जो कि बेसिकली किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। देखिए टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 2πr लेंगे डिवाइडेड बाय स्पीड मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट का। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डाले तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2π रूट अंडर gm r टू द पावर 3/2। ये m क्या है, दिस इज मास ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट का मास हम यूज ही नहीं करेंगे। तो यहां से देखिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जिस डिस्टेंस पे है वो सैटेलाइट उसका क्यूब। अगर हम इसी फॉर्मूला को आर के टर्म्स में ना यूज करके मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट के टर्म्स में यूज करें, रेडियस ऑफ प्लैनेट के टर्म्स में, तो देखिए आर को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच, तो उसका क्यूब ले लीजिए तो यहां से आ जाएगा। और जी एम के जगह जी आर स्क्वायर हम ले लिए क्योंकि जी होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो gm के जगह gr स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट और हाइट के टर्म्स में वो आ जाएगा 2π रूट अंडर r अपॉन g 1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट टू द पावर 3/2। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के लिए ये टर्म जो है जब आप रेडियस ऑफ अर्थ डालिएगा g ऑफ अर्थ डालिएगा तो अर्थ के लिए आता है 84.6 मिनट। तो अर्थ के लिए ये टाइम पीरियड आ जाएगा 84.6 मिनट 1 प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ टू द पावर 3/2। तो आपको हाइट दे दे तो किसी भी हाइट पे आप बेसिकली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं उस सैटेलाइट का अर्थ के लिए। अगर हम यहाँ पे मून के लिए रखेंगे तो मून के लिए जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 27 डेज और इसको 1 लूनर मंथ भी बुलाते हैं। अगर ये जो हाइट है जिस हाइट पे सैटेलाइट है वो हाइट लगभग सरफेस जिस प्लैनेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसके सरफेस के लगभग नज़दीक है तो वहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड, टाइम पीरियड 2π रूट अंडर r बाय g जो कि 84.6 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट जो किसी प्लैनेट के मतलब जियो मतलब प्लैनेट, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, यानी कि वो सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितना टाइम पीरियड अर्थ को घूमने में लग रहा है उतना ही टाइम पीरियड उस सैटेलाइट को लगेगा, तभी तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा अर्थ का सैटेलाइट, अर्थ का टाइम पीरियड आपको पता है 24 आवर होता है, तो अगर कोई सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी होना है तो उसका भी टाइम पीरियड 24 आवर होना चाहिए। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर। और जब आप इस फॉर्मूले में टी इक्वल टू 24 आवर लिखिएगा रेडियस ऑफ अर्थ वाले में तो यहाँ से हाइट आ जाएगा कि किस हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होना चाहिए, वो हाइट आएगा 6 आवर के बराबर, यानी कि 6 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस प्लैनेट का अर्थ का आपको पता है रोटेशन किस कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। और इक्वेटर के अर्थ है तो इक्वेटर के सेंटर से वो घूमना चाहिए तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लेकिन अगर ऐसे घूमेगा अर्थ के तो उसको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है। अच्छा, इफ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ सैटेलाइट कॉन्साइड विद सेंटर ऑफ अर्थ देन सैटेलाइट इज स्टेबल, वरना वो सैटेलाइट बेसिकली स्टेबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका सेंटर और अर्थ का सेंटर कॉन्साइड करना चाहिए स्टेबल सैटेलाइट होने के लिए इन सर्कुलर पाथ, और उस सर्कल को बुलाते हैं ग्रेट सर्कल।